27 घंटे से देखो गाड़ी चला रहे, हाथ देखो कैसे हो गए पूरे, देखो ओले आ गए, ओले देखो ओले आ गए। क्या बोलते भाई लोग, टारगेट जो सेट किए थे 1750 हो पाएगा नहीं हो पाएगा? हो पाएगा क्या? तो टारगेट होगा कि नहीं होगा, चलिए आपको लेके चलते बैक में, कल रात में जहाँ पे हमने टारगेट सेट किए थे कि हमको पहुँचना है नागपुर रामेश्वरम से। तो देखते हैं हुआ है कि नहीं हुआ, बने रहे हमारे साथ, चालू करते हैं वीडियो। दोस्तों अभी हम लोग रुके हैं कॉफ़ी पीने, कॉफ़ी ब्रेक लिए, सामने कुछ खाएंगे तो डिसाइड किए कि निकलेंगे डायरेक्ट यहाँ से नागपुर के लिए, और 900 किलोमीटर है नागपुर के लिए, लेकिन निकलेंगे। अभी है हम लोग आंध्र प्रदेश में, रात हो चुकी है, 6:50 हुए और अभी हो चुका है अंधेरा। तमिलनाडु में बड़ा अच्छा सिस्टम था, ढाबों का बेकरी थी, कॉफ़ी थी, ये घुसते बराबर वही बोला दिख क्यों नहीं रहा, दिख क्यों नहीं रहा, ये सिस्टम ख़त्म हो गया है यहाँ पे। तो जिगरे को थाम के कर लेते हैं अभी। ये है आज का 19वां टोल। फिलहाल अभी हम लोग हैं आंध्र प्रदेश में भारी भरकम टेलर। 859 किलोमीटर और है, 862 किलोमीटर हम लोग चल के आ चुके हैं अभी फिलहाल, जितना आए हैं उतना ही जाना है। तो पीछे से हम लोग ने हैदराबाद के लिए मार लिए लेफ्ट और अभी हम लोग लग गए स्टेट हाईवे 36 पे, करीब 280 किलोमीटर ये हाईवे है और हैदराबाद यहाँ से 300 किलोमीटर और है। बाकी आप ये देखो पोल के नज़ारे कितने प्यारे हैं। अभी हम लोग ने चला लिए गाड़ी 914 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा हो गया पहली बार इतना ज़्यादा हो गया है। दो भाई लोग मिल गए हैं आदिलाबाद वाले, तो वो है एम्बुलेंस से। अभी बड़ी बड़ी सिटी है, अभी टेंशन नहीं है, अभी सिर्फ 8:45 बजे हैं, कोई भी बड़ी सिटी 10-10:30 बजे तक चलती चलती है। अभी लगता हम लोग आंध्र प्रदेश में हैं, तेलंगाना में लगने के हैं, बहुत चांद है भाई हमको। आगे जाके कुछ खाते हैं बोले, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं खाएंगे नहीं तो नींद आएगी चलाने में, और कुछ ले के रख लेंगे भूख लगी तो। ये बॉटल का ढक्कन कहाँ है मालूम, गिर गया मालूम नहीं, बैग पे रखा था शायद वो वहीं गिर गया। ये है राइट, यहाँ से रुक जा रहे भैया। साउथ में आपको हनुमान जी की मूर्ति रास्ते में हर जगह मिलेंगी, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रास्ते किनारे मंदिर बने हुए हैं और ऊंची ऊंची मूर्तियाँ बनी हैं। अभी सामने देखो जय श्री राम, बढ़िया कितनी प्यारी मूर्ति बनी हुई है। लाइट पड़ रहा है इसमें, कैमरे में आ रहा है कि बराबर मालूम नहीं, देखो कितनी प्यारी मूर्ति बनी है, जय श्री राम, भगवान रक्षा करना आपके भरोसे। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं गुंटूर सिटी करके, अच्छा बड़ा सिटी दिख रहा है, वैसे देखा जाए तो यहाँ लॉज वगैरह मिल जाएगा और वहाँ से फिर देखते हैं हैदराबाद से और 500 है नागपुर, कहीं अति ना हो जाए। बाईस बज के 8 मिनट 5 तारीख मंगलवार। तो दोस्तों अभी हमने किए यहाँ से नाश्ता और निकलेंगे सीधा अभी हम लोग हैदराबाद होते हुए नागपुर के लिए, एक आधा रेडबुल मिलता है क्या देखते हैं रास्ते में। गए यहाँ से नाश्ता, अब निकलेंगे सामने की ओर, एक रेडबुल लेंगे और बिस्किट लेंगे, देखते कहाँ मिलती है। 997 आ गए, 1000 किलोमीटर को 3 बाकी है। ये टोल नंबर है 21, 20 को हम शूट नहीं कर पाए, कैमरा अंदर रखा हुआ था, तो ये टोल नंबर है 21। बाकी कॉफ़ी, कॉफ़ी की गरज पड़ रही है, अभी ठंडी भी अच्छी खासी है। फुल करते हैं, रात के हो गए 12:17, दूसरे दिन लग गए। ये कौन सा जगह है, प्लेस विच प्लेस? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना।
तेलंगाना में 178 रुपए है। तो दोस्तों आखिरकार हम लोग 1100 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल के आ चुके हैं और नागपुर का सफ़र तय करना है, तो हमारी सीरीज होने वाली है लंबी, रामेश्वरम से नागपुर आखिरकार तय कर लिए। लेकिन इसके पीछे एक मेन रीज़न था मेरे बच्चे का, वो बीमार है, इसलिए ये डिसाइड किया हूँ कि आज वन स्टॉप में करने का। 28 से 29 घंटे लगेंगे, फिलहाल पार करते हैं हैदराबाद और फिर निकलते हैं नागपुर के लिए। अभी और 600 किलोमीटर बाकी है यहाँ से, हैदराबाद 100 और फिर वहाँ से 500 नागपुर। बाकी ऐसा कुछ ले लेने, अभी पेट्रोल डाले 995। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग हैं हैदराबाद में, हैदराबाद पार करके अभी फ़िलहाल रुके हैं मेडचल करके, मेडचल के बाद रुके हैं। आप अगर से चेन्नई वगैरह साइड से आ रहे हो तो आपको नागपुर जाने के लिए जो बाईपास पड़ता है उस पर बाइक ले आने नहीं देते, तो आपको सिटी के अंदर से आना पड़ता है और सिटी के अंदर से मैप बराबर दिखाता नहीं है, तो इसलिए आप पहले एलबी नगर डालो, एलबी नगर डालने के बाद फिर मेडचल डालो तो आपको बराबर लेके जाएगा, नहीं तो आपको बहुत परेशान करेगा मैप। बाकी ये लेफ्ट में जाते हो तो मुंबई, जो सामने देखो रास्ता दिख रहा, लेफ्ट में जाते हो तो मुंबई और सीधा नागपुर दिख रहा है। रात के बज चुके 2:55, बाकी गाड़ी में अभी तक हम आ चुके 1233। तो अभी हम लोग निकलते सीधे नागपुर के लिए, नागपुर अभी 475 किलोमीटर और बाकी है यहाँ से, तो हमको सवेरे के 10-11 बजेंगे, करीब 27-28 घंटे का रन होगा। अभी 21 घंटे हो चुके चलते चलते कंटिन्यू, देखो हमारे ललन चालू है फिलहाल अभी। बाकी ऐसा कुछ कंडीशन है, अभी सर पूरा ये हो चुका है एकदम, हेलमेट की वजह से पेन दे रहा है अभी बहुत देर से, सर बंद 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 है एकदम। तो दोस्तों अभी हम लोग कॉफ़ी पीने रुके हैं टोल नाके पे, देखो देसी चाय दिखेंगे आपको मेरे पीछे, कॉफ़ी पीते हैं। अभी रात के बज रहे हैं 3:22, ये देखो रहे 3:22 हो चुके, कॉफ़ी बन रही है हमारी, कॉफ़ी पीते फिर चलते सामने की ओर। तो हल्की हल्की नींद आने लगी थी, टोल नाके भी देखा कॉफ़ी वाला, तो कॉफ़ी पियेंगे फिर निकलेंगे सामने की ओर, देसी चाय, नींद आ रही है अभी। 3:30 3:30 के करीब हो गए, यानी अभी हमको 21 घंटे हो गए चलाते चलाते गाड़ी, रेस्ट बोले तो आधा घंटा भी रेस्ट नहीं है। इसके बाद वाले टोल नाके हम थोड़ा सा आराम करें, अभी हम ले रहे कॉफ़ी खान, आ चुकी है कॉफ़ी, कॉफ़ी लेते फिर निकलते सामने की ओर। गुड मॉर्निंग भाइयों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम निज़ामाबाद। तो अभी हम लोग हैं निज़ामाबाद, सुबह के बज चुके हैं 6:15, करीब करीब 24 घंटे हो रहे हैं हमको गाड़ी चलाते हुए। आप मेरे पीछे ये बोर्ड देख सकते हो, यहाँ से आदिलाबाद है 112 किलोमीटर, नागपुर है 306 बाकी, और नागपुर अभी 306 चलना है हमको, वाराणसी है 1026 और श्रीनगर है 2460। तो दोस्तों वाट लग गई है चलते चलते, लंबा चल लिया है, 1400 किलोमीटर चल चुके हैं और 300 बाकी है, 300 में फटे जा रही है। तो एक स्ट्रेच में एक ही बार में 1700 किलोमीटर, वो भी सोलो राइड पहली बार, जबरदस्त हो चुकी है राइड। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेरे भाई लोग आदिलाबाद से, 24 घंटे हो चुके हैं, कल हम लोग 6:30 निकले थे, अभी 6:23 हो गया, 24 घंटे हो चुके हैं, 1400 किलोमीटर चल चुके हैं हम, अभी और 300 और चलना है, तो 300 को 4.5 घंटे में हम कवर कर लेंगे आराम से। देखो सनराइज हो चुका है, जय सूर्य देवता। दोस्तों नागपुर से हैदराबाद का वीडियो इसके पहले इसमें आ चुका है, तो आपने हैदराबाद का रूट
ये वीडियो में नहीं देखने मिलाऊंगा तो आपको नागपुर से हैदराबाद के वीडियो में आप देख सकते हो। नागपुर से हैदराबाद सनराइज देखो मेरे राइट में, सूर्य देवता प्रकट हो चुके हैं। ये तो कीट पतंगे ने पूरे देखो ख़राब कर दिए, पूरा भर चुका है ये पूरा। हेलमेट भरा हुआ था उसको पूछे रात में, अभी फिर भर गया। ये तो पूरा कीट पतंगों से भरा हुआ है। अरे सूरज देवता गर्मी थोड़ी पड़ा दो, ठंडा लग रहा है सुबह सुबह। आज ट्रिप एफ नहीं लगा देखो, 312 आ चुकी है, यानी 31 के ऊपर चले गया इसका एवरेज। लेकिन ट्रिप एफ अभी तक लगा नहीं क्योंकि रात को हम लोग ज़्यादा तेज नहीं आए, 80-90 कभी कभार 90 क्रॉस कर रहे हैं, तो 80-90 उसके वजह से देखो एवरेज ज़्यादा दी गाड़ी ने। और 80 के नीचे चलाते हैं ना मस्ती एवरेज मिलेगा। नींद बहुत गहरी आ रही है, ऐसा लग रहा कि गाड़ी पे सो जाना थोड़ा देर गाड़ी स्टैंड पर लगा कर। हाँ 1240.68 यहाँ पे देखो 126 है पावर, 126.60 9.80 आया देखो। तो यहाँ और महंगा है, यहाँ पावर का डाल दें बिल दे, पावर का और महंगा है यहाँ पे। तो दोस्तों जो आप मेरे राइट में देख रहे हो ये है पांडरकवड़ा सिटी, ये आता है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी हम लोग फिलहाल यवतमाल डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुके हैं, यहाँ से नागपुर और 150 किलोमीटर है। ये रास्ता ख़राब है, आगे करंजी से आगे यवतमाल में आता है ना, ये देखो कितना ख़राब करके रास्ता। ये 2-3 किलोमीटर का पैच तो पूरा ही ख़राब है, बाकी ये हाईवे पे पैचेस भी है, गड्ढों में पैचेस भरा के रखे हैं, ख़राब करके रखे रास्ता पूरा। 4 लेन ज़रूर है लेकिन यहाँ से वापस जा रहे हो ना उधर साइड का अच्छा दिख रहा है, ये साइड का ख़राब है पूरा। तो दोस्तों अभी हम लोग रुके हैं जाम फाटे के थोड़े पहले, 27 घंटे से देखो गाड़ी चला रहे, हाथ देखो कैसे हो गए पूरे, देखो ओले आ गए, ओले देखो ओले आ गए, पूरे हाथ ख़राब हो गए, पूरे हाथ ख़राब हो गए एकदम, दर्द आ गया, पेन हो गया, अभी ग्लव्स नहीं था उसकी वजह से तकलीफ हो गई बहुत। बाकी 1 घंटा 1.25 घंटा हो रहा है अभी, अभी बजे 9:30 10:45 तक हम लोग पहुँच जाएंगे नागपुर। तो ये है जाम स्क्वायर, वर्धा में आता है, यहाँ से राइट जाओगे तो चंद्रपुर, सीधा जाओगे तो समुद्रपुर, और लेफ्ट जाओगे तो नागपुर। सीधा जो समुद्रपुर है, समुद्र नहीं है वहाँ लेकिन नाम समुद्र है समुद्रपुर, और जब समुद्र ही नहीं है तो उसमें पुर कैसे आएगा सोचो, नाम है समुद्रपुर। तो अभी यहाँ से 65 किलोमीटर और है नागपुर, तो थोड़ी देर में हम लोग एंटर हो जाएंगे नागपुर में, तो मिलते हैं आपसे डायरेक्ट नागपुर में भी। तो दोस्तों आखिरकार 1700 किलोमीटर का टारगेट हमारा पूरा हो चुका है रामेश्वरम से नागपुर के लिए। नागपुर में भी हम लोग फिलहाल एंटर कर रहे हैं, बस एयरपोर्ट हम लोग पहुँचने वाले हैं। साथ ही साथ 4500 किलोमीटर की हमारी साउथ इंडिया राइड वो भी कम्प्लीट हो चुकी है, 4600 के करीब करीब। अभी यहाँ से मेरा घर और 25 किलोमीटर है, तो यानी टोटल 1730 किलोमीटर की ये राइड होने वाली है रामेश्वरम से नागपुर, भगवान राम के से भारत का केंद्र नागपुर तक। ये देखो ये एयरपोर्ट मेट्रो, बाकी हम लोग पोस्ट से आ गए नागपुर में, बस नागपुर में एंटर हो रहे। हाथ देखो हाथ पूरे छाले आ चुके हैं हाथ में, ये देखो पूरे छाले आ चुके हैं। टोटल 28 घंटे की राइड हो चुकी है, कल हम लोग निकले थे सुबह 6:30 बजे
और अभी हम लोग पहुँचे 10:30 बजे नागपुर में एंटर किए। ये देखो 10:30 बजे, 10:36 में एंटर किए नागपुर में, तो टोटल राइड होगी 28 घंटे, यानी 1 दिन और 4 घंटे की राइड। एयरपोर्ट का सिग्नल फिलहाल बंद है मेरे, आप लेफ्ट में देख रहे हो एयरपोर्ट मेट्रो, और ये एयरपोर्ट जाने का रास्ता। बस यहाँ से अभी हम लोग निकल जाएंगे ओवर ब्रिज पे, बाकी ऐसे कुछ नज़ारे हैं यहाँ के। अभी हम लोग गए मेट्रो के सामने वाले ओवर ब्रिज पे, मनीष नगर ओवर ब्रिज। यहाँ से अभी हमारी 25 से 30 किलोमीटर और राइड होने वाली है घर तक की। हेडलाइट पे देखो कीट पतंगे देखो कितने, ठीक है ना, हेडलाइट गंदा पड़ा है देखो, वही हाल है हेडमेट, वही हाल है इसका हेलमेट का, दो बार साफ करने के बाद। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पे हमारे साथ इसी तरह बने रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।